हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, सेशन पे। सो दिस इज आंचल सिंह, यू आर वाचिंग मी हियर ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स एंड टुडे इन आर्टिकल्स वी विल बी डिस्कसिंग, दिस इज डे टू एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ आर्टिकल्स व्हिच वर लेफ्ट इन द लास्ट सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आई होप आप सभी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, राइट? और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और करने के बाद जल्दी से जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। आप मेरा नाम जैसे ही टाइप करेंगे आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से क्या होगा, फॉलो करने से आपको मिलेंगे फ्री लाइव सेशंस, उन फ्री लाइव सेशंस का फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, right? You will also get free PDF files for all the sessions we will be taking. Free live quiz, you can be a part of free live quiz. You will also have a detailed analysis session of previous year question bank. Along with this, you can also have a mock test discussion, and this will all be free without any charges applied, right? And if you want to be a part of plus course, you can avail the plus course by using my code ANLIVE, which will give you instant 10% instant discount. How it will give you, let me discuss. First of all, you have to choose your examination, bank exams and all, ठीक है? Bank exam, SSC exam, bank SSC, both, जो भी exam आप prepare कर रहे हैं, आप उसको choose कर लीजिए। आप 12 months program choose कर लीजिए। For example, आपने 12 months program choose किया है, affordable है, आप उसको उसके साथ आगे जाना चाहते हैं। So जैसे ही आप choose करेंगे, यहाँ पे आपको gift box के पास मेरा code इस्तेमाल करना। The moment you apply my code, your fees becomes 5,400. So your 12 months fees is around 5,400, right? And then you can proceed to pay. This will be your fees. So aap is tarike se hamare saath YouTube pe special classes mein aur Unacademy ki plus classes mein sabhi jagah aap hamare saath jud sakte hain, right? This is my schedule. Please have a look. Monday to Friday you can see me on Wi-Fi Study Studios channel, where we discuss a lot of patterns, a lot of new questions. और अभी हमारा grammar revision series चल रहा है, जहाँ पे हम grammar के हर rules को revise कर रहे हैं. 10 a.m. to 11 a.m. you can see me on from Monday to Wednesday. You can see me on Unacademy Plus classes. 11:30 to 1:30 p.m. you can see me on Wi-Fi Unacademy's special classes. You can see me on special classes of an academy, which is totally free. It's a 2-hour session, and here we usually discuss previous year question paper and question bank, right? 2 p.m. to 3 p.m. you can see me on Wi-Fi study bank exam. 10:30 a.m. to 11 a.m. Thursday or Friday को आप हमारे साथ Just English channel पे भी जुड़ सकते हैं, right? So this is my schedule. Please have a look. Please have a look.
ओके आई होप यू पीपल आर डन विद दिस. चलिए सो स्टार्ट करते. सबसे पहले हमने कल डिस्कस कर लिया था व्हाट इज अ डेफिनेट आर्टिकल, व्हाट इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, ये भी हमने काफी डिटेल में कल पढ़ लिया था, राइट. तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल बी डिस्कसिंग डेफिनेट आर्टिकल द टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. डेफिनेट आर्टिकल क्यों यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज को जब हम इंडिकेट कर रहे हो, राइट. लुक एट द बॉय और लुक एट द बॉयज. सो या तो वी आर इंडिकेटिंग एनी पर्टिकुलर बॉय और वी आर इंडिकेटिंग एनी होल ग्रुप ऑफ बॉयज. आई वॉन्ट द गोल्डन बुक ऑफ ट्रेजर्स, आई वॉन्ट द गोल्डन बुक ऑफ ट्रेजर, विच मीन्स यू आर पर्टिकुलराइजिंग अबाउट गोल्डन बुक ऑफ ट्रेजर. द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट, बुक प्रिंट से बाहर है, बुक इज आउट ऑफ प्रिंट. सो द बुक विच मीन्स देर इज सम स्पेसिफिक बुक विच वी आर टॉकिंग अबाउट टू इंडिकेट अ पर्टिक्यूलर पर्सन और थिंग. ओके लुक एट द बॉय, लुक एट द बॉयज, आई वॉन्ट द गोल्डन बुक ऑफ ट्रेजर्स, आई वॉन्ट द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट. सो दिस वे वी यूज डेफिनेट आर्टिकल वेन वी वॉन्ट टू पर्टिक्यूलराइज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और समथिंग. ओके Some nouns when mentioned twice becomes indefinite to definite. कुछ nouns जब हम दोबारा एक ही sentence में mention करते हैं तो वो indefinite रहते हैं पहले, but बाद में वो definite हो जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. Okay? There is a tree in the garden. Right? The tree is an oak tree. So सबसे पहले अभी देखिए आप यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a tree in the garden. Right? मेरे किसी particular garden में ये tree है. और वो ट्री कौन सी ट्री है. सेकेंड वाले सेंटेंस में जब हमने ट्री के बारे में मेंशन किया तो हमने इसको क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया, क्योंकि हम उसी ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिस ट्री के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. और वो ट्री कौन सी ट्री है, ओक ट्री है. सो वी आर काइंड ऑफ पर्टिकुलराइजिंग इट. सो दिस वे व्हेनेवर वी यूज एनी नाउन ट्वाइस इन अ सेंटेंस, इफ इट इज एन इनडेफिनेट नाउन इट बिकम्स अ डेफिनेट नाउन. It takes indefinite article and later on becomes definite. It takes definite article. Okay? Now, before singular noun to indicate class. Singular noun के पहले use करते हैं class को define करने के लिए. मैंने एक आपको example दिया था. जिन लोगों ने भी इस session को नहीं देखा है, you can go back and watch my playlist and watch the previous session. A cow has horns, we say. Right? A cow has horns, we say, which means all cows have horns. Isn't it? This is the meaning. So we were kind of talking about a class of cows. Now here, why are we using it? We are indicating class. यहाँ पे we were telling about the physical features. So when you talk about physical features or when you talk about physical attributes, it is... We use indefinite article, but when we use talk about the quality of that particular thing or person or anything, when we talk about the quality while indicating the class, we use definite article. Similarly, the cow is a useful animal. ठीक है? क्या है? Quality है. The dog is a faithful animal. क्या है? Quality है. The rose is the sweetest of all flower. Quality है. The banyan is a kind of fig tree. Quality है. Right? उसकी उसकी उसके फीचर्स बता रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इट. नाउ 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ देम, मतलब हम ऐसा नहीं कह रहे कि किसी एक पर्टिकुलर काउ को कह रहे हैं, हम पूरे काउ के क्लास को कह रहे हैं कि वो सभी यूजफुल होते हैं. सारे के सारे डॉग्स को कह रहे हैं वो सभी फेथफुल होते हैं, सारे रोज स्वीट स्मेल करते हैं, सारी बैनियन ट्री जो होती है वो फिग ट्री के का एक पार्ट है, राइट. सो दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग. What is an uncountable noun? Which cannot be counted. One which cannot be counted, right? The gold of the ring is very bright. Is gold countable? No, gold is not countable. Gold can be measured. Gold can be measured, na? We take gold according to grams. How many grams of gold is used in a ring, right?
So the gold of the ring is very bright. So we are talking about a particular ring which has gold in it and it is very bright. The political wisdom of Nelson Mandela is very famous. So basically we are talking about the particular political wisdom. Can you count political wisdom? You cannot count on it. You can definitely understand it, right? Of Nelson Mandela is very famous. Indefinite articles are used before the name of a thing which is only one in nature. पूरे विश्व में जो चीजें सिर्फ एक हो उनके साथ the article definitely use करते हैं. जैसे moon एक ही है. Look at the moon. The sun shines in the sky. The earth moves round the sun. So ये सभी चीजें क्या है विश्व में पूरे के पूरे अर्थ में पूरी धरती पे एक ही है. तो natural चीजें जो सिर्फ एक पाई जाती हैं हमारे नेचर में उन्हें हम क्या उनके साथ हम क्या यूज करते हैं उनके साथ हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं राइट. यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग नेशन और रेस. अच्छा किसी के नेशन से उसको रिलेट करें या किसी के रेस को किसी के रेस से किसी के कल्चर से किसी के कास्ट कस्टम क्रीड से जब हम उसको रिलेट करते हैं तब हम हमेशा यूज करते हैं आर्टिकल्स का द आर्टिकल्स का. जैसे द इंग्लिशमैन यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड पीपल हु बिलोंग्स टू द नेशन. Are industrious. The Bengalis are intelligent but idle. Bengalis, we are talking about a particular race, a particular caste, people who belong to a particular custom, right? They are intelligent, we are saying, but they are idle. So this way we use definite article with nouns which denotes nation or race. It indicates profession. Definite article is used to indicate profession. We never say Ronit joined as a manager of the hotel. No, we say the manager of the hotel. Why? Because this is a particular profession which Ronit is doing, right? He joined as in the hotel. Mr. Jacob is now the father of this church. The father, yani ki the priest of this church is Mr. Jacob. So we are particularizing them by indicating their profession in a particular field, in a particular place. And that is why we will use definite article here. Okay. Definite articles are also used before ordinal numbers. Who is the first boy? The second boy in the class? The 23rd January is a red letter day. So, the ke saath jab hum use karte hain ordinal numbers ko first, second, third. There are two types of number we know, right? Cardinal numbers. Ordinal numbers. Now, what are cardinal numbers? When we say 1, 2, 3, they become cardinal numbers and so on. When we say 1st, 2nd, 3rd, they become ordinal numbers, right? Channel ko like, share or subscribe karna mat bhuliyega. Session ko bhi zarur like kijiyega if this session is turning to be beneficial for you. Okay? Aachal ma'am ko dheer sara pyaar dete huye. मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स जरूर सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं जब भी लाइव आऊं या फिर जब भी हमारा सेशन यहां पे आए आप सभी वहां पे जुड़ सकें या जो भी आपके फेवरेट फैकल्टी हैं आप उनके साथ जुड़ सको राइट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेशन में. डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करते हैं होली बुक्स के साथ जैसे द गीता द कुरान द बाइबल द रामायण द महाभारत. इज़न्ट इट होली बुक्स के साथ यूज करते हैं हम द आर्टिकल. न्यूज़पेपर्स के साथ द हिंदू वन ऑफ द मोस्ट फेमस The Indian Express, ships के साथ use करते हैं the Titanic, the MK Akbar, train के साथ use करते हैं trains जैसे the Rajdhani Express, the Shatabdi Express, and so on. डेजर्ट के साथ
the Thar Desert, right? एरोप्लेन के साथ, अब एरोप्लेन के साथ कैसे यूज करते हैं, क्या एरोप्लेन का नाम होता है, वॉट विल बी इट, बताइए, थिंक एन आंसर, एरोप्लेन के साथ कैसे यूज करेंगे अगर एरोप्लेन का नाम होता है, जैसे द विस्तारा एयरलाइंस, पर्टिकुलर एयरलाइंस है ना, द इंडिको, द स्पाइस जेट, तो इन सब के साथ हम यूज करते हैं। स्पेसक्राफ्ट, किसी स्पेसक्राफ्ट का नाम हो तो उसके साथ द आर्टिकल जरूर लगते हैं। फेमस बिल्डिंग, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, रिवर्स, द गंगा, द यमुना, इनके साथ भी जरूर लगेंगे। सीज, द रेड सी, द मेडिटेरेनियन सी, ओशंस, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, गल्फ्स, गल्फ्स, राइट, माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान निकोबार, प्लूरल नंबर्स ऑफ फैमिलीज, द सेंस, the Singhs, the Sharmas, family के plural name के साथ the लगाते हैं, directions, the north, the east, the west, provinces or countries, the UK, the USA, the UAE, the republic, है ना, तो इनके साथ हम हमेशा द आर्टिकल का यूज हो जाता है हमारे। सो दिस वे डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद ऑल ऑफ दीज। डेफिनेट आर्टिकल इज आल्सो यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ पर्सन इन सुपरलेटिव डिग्री, द रिच, द पुअर, द वर्चुअस, द बेस्ट, द मोस्ट, द डार्केस्ट क्लाउड, द चीफ मिनिस्टर, the singer, the prime minister, okay, all these whole class of person can be defined as adjective with the help of definite article the in superlative degree, okay. Definite article is used as comparatives, as adverbs, jaise the sooner the better, it is comparative degree, but they are behaving like an adverb. The sooner, the better, the more, the merrier, the higher, the colder, the more we have, the more we want. So, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर जगह पे हमने ये यूज किया है। So, this way definite articles are used with so many of the things. So, let's have a quick revision of it. कि definite article हम कहाँ कहाँ पे use करते हैं। Number one, to indicate a particular person or things. Please have a look at the examples. And just revise one so that you don't get confused. You know where to use definite article and where to use indefinite article. Till then, do like, share and subscribe the channel. Channel ko like, share and subscribe karna mat bhuliyega. Session ko bhi dheer sara like kijiyega. Second, some nouns when mentioned twice become indefinite to definite.
Next, definite article the is used before singular nouns to indicate class. Read out the examples. Know the difference when to use indefinite when while indicating class, when to use definite while indicating class. The article is used when definite article is used when we use quality, right? Definite indefinite is used when we use physical features. It is used before an uncountable noun. How? Please read it out. Things which cannot be measured but can be felt or can be measured but cannot be counted. With those things we use article the. Use before the name of a thing which is only one in nature. हमारे nature में वो सिर्फ एक ही पाए जाते हैं, जैसे moon, sun, sky, earth, etc. It is used before a noun denoting nation or race. It is used to indicate profession. It is used before ordinal numbers. And then it is used before a proper noun of holy books, newspapers, ships, train, desert, aeroplane, spacecraft, famous buildings, rivers, seas, oceans, gulfs. This is the Persian Gulf, the Gulf of Kutch, mountain ranges, islands. Plural number of families, directions, provinces or countries.
ओके. इट इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ पर्सन्स इन सुपरलेटिव डिग्री. It is used before comparatives as adverbs. Okay, so this was all about definite article rules, and see you guys in the next class, in the next session. Thank you for joining me in the session. Do like, share and subscribe the channel, and also like this session. I hope you people do really well in your exams, or अच्छे से आपका revision हो रहा होगा इन sessions द्वारा. आप लोग इनको practice कीजिए, practice करेंगे तभी आपको इनकी समझ होगी, तभी आप इनको apply कर पाएंगे, इनके usages समझ पाएंगे और इनको use कर पाएंगे, right? See you guys in the next class, in the next session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day. Do like, share and subscribe the channel, and also like the session. Bye-bye.